हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। हाय दोस्तों, मैं विंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम जिस पर टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है कि आपको PAN नंबर से जो टिकट है वो किस तरीके से डाउनलोड करना। रिजर्वेशन वगैरह तो हो जाता है, टिकट कन्फर्म हो गया, कई बार ऐसा होता है कि टिकट हम डाउनलोड करना भूल जाते हैं। तो डाउनलोड कैसे करें, आप बाद में भी डाउनलोड कर सकते हैं PAN नंबर से। तो सबसे पहले आप क्रोम ब्राउजर ओपन कर लें और यहाँ पे आपको लिखना होगा मैक माई ट्रिप .com और इसको सर्च कर देना है। सर्च होने के बाद में कुछ इस तरीके से इसका डैशबोर्ड दिखेगा और आपको उस तीन डॉट पे जाके इसको डेस्कटॉप साइड में मोड पे कर लें और यहाँ पे भाषा है जो इसकी, हिंदी चूज कर लें, इंग्लिश कर लें, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे देखिए, आपको थोड़ा सा जूम कर लेना है और जहाँ पे आपको ट्रेन लिखा मिलेगा सेक्शन देखिए, यहाँ पे ट्रेन, तो ट्रेन पे ओके कर दें। जैसे ही आप ओके करेंगे आपको थोड़ा और इंतज़ार करना, फिर स्क्रॉल कर लें लेफ्ट राइट और पहला जो ऑप्शन होता है बुक ट्रेन टिकट, फिर उसके बाद चेक PNR स्टेटस और लाइव ट्रेन स्टेटस। तो आपका जो बीच वाला ऑप्शन है इस पर एक बार ओके करेंगे। तो ओके करने के बाद में यहाँ पे PN नंबर मांग रहा, तो PN नंबर डाल दें यहाँ पे आप। तो मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया और चेक स्टेटस पे ओके किया। तो यहाँ पे जितनी भी टिकट मैंने रिजर्वेशन किया है तो यहाँ पे कन्फर्मेशन हो जाएगा। आप इसको थोड़ा जूम करके आराम से देख सकते हैं, ठीक है। पैसेंजर 12 और VL चमालीस और उसके SL जो स्लीपर होता है उसमें आएगा। VL का मतलब होता है वेटिंग लिस्ट में, तो ये जो टिकट है वो वेटिंग में चल रही फिलहाल, ठीक है। तो VL वो भी वेटिंग में है, सामने वाली और दोनों वेटिंग में चल रही हैं क्योंकि दोनों जो डिब्बे हैं कहीं पे भी वो दे सकता है, ठीक है। जो फर्स्ट पैसेंजर है उसको 52 वाली सीट भी मिल सकती है, 44 वाली भी मिल सकती है और सेकंड है उसमें 53 वाली भी मिल सकती है और 45 वाली। तो यहाँ पे थोड़ा हम ऊपर करते हैं और हमें क्या करना है, प्रिंट। तो यहाँ पे ओके करते हैं, हमें प्रिंट करना है क्योंकि हमें ज़्यादा ज़रूरत है, हमें टिकट है इसको हमें क्या करना, डाउनलोड करना। तो यहाँ पे PDF ओके कर देते हैं, तो ये डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। और यहाँ पे ट्रैवल कुछ सभी यहाँ पे लिखा, अगर आप यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ मेंशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी नाम से या कुछ। तो आप यहाँ पे ट्रेन टिकट भी डाल सकते हैं क्योंकि ट्रेन की टिकट है तो आपको याद रहेगा। PDF है जो डाउनलोड होके कहाँ पे चला जाएगा, फाइल में। तो यहाँ से आप इस तरीके से वापस जाएँ और उसके बाद में फाइल में चले जाएँ। फाइल में जाने के बाद में आपको आप PDF या डॉक्यूमेंट्स लिखा मिलता है, डॉक्यूमेंट्स पे ओके करेंगे तो यहाँ पे PDF मिल गया ऊपर वाला, देखिए फर्स्ट में 231 KB वाला। तो ट्रेन टिकट इसके ऊपर ओके करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक मैंने पैटर्न दिया हुआ है तो ये गूगल ड्राइव पे खुलता है, तो ये खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पूरा है जो डाउनलोड होकर टिकट है जो आ चुका है हमारे सामने। तो इस तरीके से आप, अगर आपको नाम नहीं पता ट्रेन का, कुछ नहीं पता, तो PAN नंबर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं टिकट को डाउनलोड करना, तो आप बाद में भी कर सकते हैं, वो यही ट्रिक है, यही ट्रिक आप अपना के आप टिकट को डाउनलोड कर सकते हैं। पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर मन में कोई सवाल, कोई जवाब, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँ और सबको रिप्लाई करता हूँ। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद, जय हिंद।